anyone in the court who will canvass the contrary viewpoint. Anyone in this courtroom who wants to canvass the contrary viewpoint with the level of seriousness we would like to hear, because you're an Attorney General and most of them are just saying what you are on the same side. Someone who has the opposite viewpoint, senior counsel, Mr. Makhdoom Ali Khan. Well, Lord, the contrary viewpoint. I think all the respondents. Where is Mr. Shoaib Shaheen? He was here in the morning. Would he be canvassing the contrary viewpoint? Shoaib Shaheen sahab chale gaye? Would be supporting the lifetime ban? Mr. Makhdoom Ali Khan, you won everyone over. So all the respondents are now against the lifetime ban. कोई है जो ताहयात ना अहली का हामी हो? शोएब शाहीन कहाँ हैं? शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। ताहयात ना अहली केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालत में बार बार आवाज़ें लगाते रहे। 3 वकील बड़ी मुश्किल से हामी मिले। जस्टिस मंसूर ने कहा आइन में हर सज़ा की मुद्दत है, तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि सज़ा काटने के बाद भी कोई कभी इंतखाब ना लड़ सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ लिखी है? जस्टिस मंसूर ने कहा सवाल यह है कि क्या झैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दबदल मुमकिन है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं लगती? चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी राय में असल आइन और बाद की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले। वो विफाक के बनाए गए कानून इलेक्शन एक्ट की तायद करेंगे। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी एक मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। आर्टिकल 62 में ये शिकें कब शामिल की गई? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का सवाल। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 आईने पाकिस्तान 1973 में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी जनरल ज़िया उल हक़ ने यह किरदार से मुतालिक शिकें शामिल कराई। क्या ज़िया उल हक़ का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा कर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़िया उल हक़ को सब माफ़ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. Amendment कब हुई? सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उल्मा रोज़ आखिरत के हिसाब से डरते रहे। आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस ने एतजाज़ अहसन के वकील शोएब शाहीन से कहा कि एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया मतीउल्ला जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शोएब शाहीन ने जवाब दिया मतीउल्ला के गायब होने के वक्त PTI की हुकूमत थी। जस्टिस फैज़ ईसा ने कहा सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया। पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालिफत की, मान लें आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया, केस की समाअत कल तक मुलतवी। लापता अफराद के ठोस केसेस भी हैं, लोग तंजीमें ज्वाइन करके भी लापता हो जाते हैं। यहाँ ये तंजीमें ज्वाइन करके रिवायत चल पड़ी है जो ख़त्म होनी चाहिए। प्राइवेट आर्मी गैर कानूनी है, रियासत के ख़िलाफ़ कोई प्राइवेट आर्मी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ केस में रिमार्क्स। जस्टिस फैज़ ईसा ने कहा, हमारी भी हदूद हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, सब जिम्मेदारी कबूल करें, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है, पुरआम मुजाहरा शहरियों का हक है। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में एहतजाज के हक को यकीनी बनाया गया है। सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली बहाल करने की अपील पर नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। नैब के सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ नैब की अपील 4 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि परसों मरकजी अपील के साथ नैब की मुतफरिक दरख्वास्त सुनेंगे, फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में कल फिर समाअत होगी। आज पीटीआई वकला पेश न हुए, अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में पीटीआई की जानिब से केस को मुलतवी करने की सदा कर दी गई। आज समाअत के आगाज़ पर वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल दिए कि पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की सदा। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की सदा कर दी। जो भी कॉमन सिंबल हमें दे हम कंसिडर कर करके ले सकते हैं, चाहे वो बल्ला हो चाहे वो बल्ले के अलावा हो। अगर ये बल्ला फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी देते और अदलिया हमें कहती है कि हम आपको और निशान अलाट करते हैं, हम कॉमन सिंबल मांग रहे हैं, हम किसी सूरत बॉयकाट नहीं करेंगे। वो हम बारहा कह चुके हैं, मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। अदलिया अगर हमारे पार्टी निशान को बहाल नहीं करती तो हम किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। हम अंडर 18 अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, इनको खुला ग्राउंड नहीं देंगे। उनकी पार्टी उस शख्स का रास्ता रोकेगी जो ताहयात नाअहल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। एक पार्टी को सिंगल आउट करके निकाला जाएगा तो जमहूरियत का नुकसान होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। शहरी ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। टिकटों की तकसीम का मामला हल करने के लिए नून लीग की क़यादत का इजलास। अयाज सादिक, रोहेल असगर, तलाल चौधरी का मामला हल करने की कोशिश। NA-121 से रोहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़े इंदिया दे दिया। NA-121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। अयाज सादिक इजलास को बता चुके हैं कि वो ज़िद करना और मनवाना जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तलाल चौधरी के मुकाबले में शहबाज शरीफ नवाब शेर वसेर को टिकट देने के हामी। GUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इदारे एक सिम्त में जाएंगे तो मुल्क चलेगा। नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी है, हम उनसे ताउन करने को तैयार हैं। डेरा इस्माइल खान में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अगर वोट्स का टर्न आउट कम रहा, सर्दी की वजह से पोलिंग स्टेशन बना ही ना सके तो ये धांधली की तरफ एक रास्ता खोलने के बराबर होगा। किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हमें कोई खदशा नहीं, जिसे खदशा है वो घर बैठ जाए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की परवेज खट्टक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी एक जुबान है, किसी पार्टी से सियासी इत्तेहाद नहीं करूंगा, सियासी इत्तेहाद के हक में नहीं, इससे जमहूरियत को नुकसान होता है। कोशिश होगी कि हर हलके से उम्मीदवार सामने लाएं, सूबे में जो तरक्की देख रहे हैं वो मेरी मरहूने मिन्नत है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ की लाहौर में तालिब इल्म के सवाल पर जवाब। तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म से सवाल किया था कि सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं, गैंग रेप के केसेस ताख़ीर का शिकार होते रहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। उन्होंने हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की। निगरान वज़ीर आज़म ने पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की आला मिसाल कायम करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने PK-91 कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मौतली का पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म कल आदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कल जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिनके बारे में कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन लोग थे। मैं तो सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर के इन रिमार्क्स को कंडेम करती हूँ। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुतालिक बयान पर लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की मजम्मत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि महदूद मैंडेट होते हुए ऐसी बात करना अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक़ तस्लीम, लेकिन दहशत गर्दी का हक़ तस्लीम नहीं। मसला मुजाहिरीन से नहीं, जाली हमदर्दियों से है। इनके हिमायती कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है। ये ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन ना बने, जिनको बनना है आकर लड़ लें इनके साथ। किसी को हया नहीं कि ये पूछे बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल करती हैं। हमारा झगड़ा कतल लवाहिकीन से नहीं है, वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है। इनमें से जो जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े कहाँ हैं। जिस जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ ताकि हमें भी पता लग जाए। इंतखाब तभी हो सकता है जब सबको यकसा मौके हों और सब आज़ादी के साथ मुहिम चला सकें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब, कहा मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर दहशत गर्दी का हमला हुआ, 2 सूबों में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। ऐसा माहौल जहां एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों दूसरी तरफ लोग, तो इसको हम आज़ाद इंतखाब नहीं कह सकते। हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, बर्दाश्त करना होगा, अपनी अना को पीछे लाना होगा। इख्तलाफ राय को दुश्मनी की सतह तक नहीं ले जाना चाहिए। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने के 2 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। कोयटा के सेशन जज की अदालत ने करार दिया कि सगासा वीडियो स्कैंडल केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई। किसी भी माकूल शक शुबा से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया है। अपील कुनंदगान केस में इल्ज़ाम से बरी हैं। ट्रायल कोर्ट का नाकिस फैसला काबिले एतमाद नहीं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई थी। कोयटा के इलाके कायदाबाद में पेश आए वाक़े के 2 मुल्जिमान पर इल्ज़ाम था कि 27 दिसंबर 2021 में एक लड़की को घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। मुल्जिमान से मज़ीद लड़कियों की भी नाजेबा वीडियोज़ बरामद हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट से इमामुल हक ड्रॉप, शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया। नौजवान साम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान तकरीबन 2 साल बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। फाइनल 11 में अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल भी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उनसे मुतालिक बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हमारे अहम खिलाड़ी 3 साल से तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आराम नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में पैर की इंजरी का शिकार होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के सरबरा वहाब रियाज ने जियो न्यूज़ को दिए खुसूसी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अबरार ताहाल मुकम्मल फिट नहीं हो सके, वो ऑस्ट्रेलिया से ही वतन वापस आ जाएंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपील दायर करने का सिलसिला आज भी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपील्स की फौरी समाअत की ज़बानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कहा फौरी समाअत की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ आज ही अपील समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन के कागजात मुस्तरद किए जाने पर इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरबाब ने कहा आप पर एतराज़ है कि प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया, 65,000 रुपये टैक्स आपके ज़िम्मे था। वकील शोएब शाहीन बोले प्रॉपर्टी मेरे मुवक्किल के नाम अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मुल्क में माशी, सियासी और खारिजा सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल है। पॉलिसियाँ बनाने वाले अपनी गलती का एतराफ़ नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाने वालों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, कोई तहकीक करता तो पता चल जाता। 9 और 10 मई के ताने बाने किन ममालिक से मिलते हैं। 7-8 माह गुजर गए, मिट्टी डालो प्रोग्राम अब नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए गुड टू सी यू और नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज कर दिए जाते हैं। इंतखाबी निशान के मामले पर आज तो बहुत शोर मचाया जाता है, हमारे लिए तो कोई नहीं बोला था। PTI बता दे कि किस एजेंडे के तहत हमसे इत्तेहाद करेगी। जमहूरियत की बात हो तो PTI से इत्तेहाद पर ANP मशवरा कर सकती है। 9 मई वाले एजेंडे की हिमायत नहीं कर सकते। ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 13 जनवरी तक इंतखाबात में सियासी जमातों से इत्तेहाद का फैसला हो जाएगा। 2013 और 2018 इंतखाबात में सारी मेहरबानियाँ PTI पर थीं। PTI को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को नाकाम किया गया। मुजरिम और सजा याफ्ता लोगों को इलेक्शन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ख्वाजा सराओं के शिनाख्ती कार्ड्स बनने का अमल खत्म कर दिया गया है। इलेक्शन में भी ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी नजरअंदाज करके वोट के हक से महरूम कर दिया गया है। जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादी राय ने कहा कि ख्वाजा सराओं का एक फर्द भी वोटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं। ख्वाजा सराओं को दीवार से ना लगाया जाए। 15,000 ख्वाजा सरा वोटर लिस्ट में नहीं है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव मोस्की में नामालूम अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हज्जामों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। उनकी मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। वाक़े की तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 11वें रोज़ पे दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। गाजा के जनूबी और वस्ती इलाकों में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले। 24 घंटों में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहदा की तादाद 22,100 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारियत जारी। छापों के दौरान फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और शाम में शामी फ़ौज की तनसीबात पर भी हमले। गाज़ा के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान का तैयारा मिस्र पहुँच गया। इमदादी सामान गाज़ा पहुँचाने के लिए मिस्री हिलाल अहमर के हवाले कर दिया गया। गजा में अलकसाम ब्रिगेड और इस्लामिक जहाद के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले, टैंकों पर नजदीक से रॉकेट दागे, काबिज फौज के कैंप पर मुनज़म हमला, मुतादिद रॉकेट्स का इस्तेमाल, घरों में मोर्चा बनाए, इसराइली फौजियों को भी निशाना बनाया। अलकसाम का 4 दिनों में 71 गाड़ियां तबाह करने, 16 काबिज फौजी हलाक करने का दावा। मुजाहमतकारों से झड़प में जख्मी इसराइली फौजी की खौफ से चीखें मारने की वीडियो सामने आ गई। नए साल की आमद पर इस्लामी ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए, यहूदी और अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट भी कहीं नज़र नहीं आया। यूएई और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ती के ममालिक के शहरियों ने यहूदी और अमरीकी मसनूआत की भरपूर ख़रीदारी की। रियाद में नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की ब्रांड का सबसे बड़ा स्टोर खोला गया। पाकिस्तान में गजा के मजलूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई। टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट के रनवे पर जापानी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। तैयारा लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकराया। कोस्ट गार्ड तैयारे पर मौजूद 5 अफराद हलाक। मुसाफिर तैयारे के तमाम 367 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट के तमाम रनवेज को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। कम तनख्वाह और दीगर मुआशी मसाइल ने भारतीय पीएचडी प्रोफेसर को सब्जियां बेचने पर मजबूर कर दिया। ठेले पर बड़ा बड़ा पीएचडी सब्जी वाला भी लिखवा दिया। कहा, प्रोफेसर के मुकाबले में ज़्यादा पैसे कमा रहा हूं। शिकायत की कि मुस्तकिल रोज़गार ना मिला। 11 साल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाया। प्रोफेसर प्रदीप सिंह के पास कानून में पीएचडी समेत पंजाबी ज़बान, सहाफ़त और सियासियात में 4 मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं। अब भी तालीम के उसूल का जुनून है। जियो टीवी का 7 स्काई के ताउन से अपने नाजरीन के लिए नए साल का नया तोहफा। हसीन और दिलकश वादियों की संग दिल रिवायात पर फिल्माई गई सनसनी और एक्शन से भरपूर नई ड्रामा सीरियल खई। फैसल कुरैशी और दुर्फिशा सलीम समेत स्टार कास्ट से सजी ड्रामा सीरियल का प्रीमियर देखें 3 जनवरी को बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।